नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होती है और उस रणनीति को फिर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया जाता है और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन और कड़ी मेहनत के बाद फिर आपको सफलता मिलती है। लेकिन इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपकी रणनीति है ये आपके विरोधी को पता नहीं लगनी चाहिए। आपके विरोधी को अगर पता लग जाएगी तो आपकी रणनीति वो फेल कर देगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ चीज़ हो गई है अभी विश्व के लेवल पे। दरअसल आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है तो इसमें यूक्रेन का जो सपोर्ट किया जा रहा है ये पूरी यूरोपियन कंट्री उसका सपोर्ट कर रही है, अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर रूस की बात करें तो एज सच कोई खुलकर उसके सपोर्ट में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट उसके साथ है। अब आपको बता दें कि चाइना जिस तरह का सपोर्ट रशिया को किया है वो भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। दरअसल दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि चाइना रूस को एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सारी इन्फॉर्मेशन ये चाइना रशिया को दे रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि रशिया के पास ऑलरेडी सैटेलाइट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं वो 100 से ज़्यादा हैं और चाइना के पास थोड़े से और ज़्यादा हैं, मतलब रशिया से ज़्यादा हैं। चाइना के पास 140 सैटेलाइट हैं और रशिया के पास 109 सैटेलाइट्स हैं। लेकिन फिर भी रशिया को ज़रूरत पड़ रही है चाइना की और ये इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि यूक्रेन के सोल्जर्स की पोजीशन क्या है, उसके टैंक्स की मूवमेंट्स क्या है, उसके सारे वेपन्स की मूवमेंट्स क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी चाइना ने और वो डेटा रशिया को सौंप दिया। उसके बाद ही ये देखने में मिल रहा है कि यूक्रेन जो है लड़ाई में कहीं अब दिख नहीं रहा है, वो लगभग पीछे होता चला जा रहा है। दोस्तों, ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये जब इन्फॉर्मेशन होती है मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन तो ये ऐसे ही नहीं होती कि बस कोई दो दोस्त हैं उन्होंने आपस में बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और अगर एग्रीमेंट हो गया है तभी इसने चाइना ने अपनी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है रशिया के साथ। और अगर इस तरह का एग्रीमेंट है रशिया और चाइना के बीच में तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है क्योंकि रशिया भारत का भी दोस्त है। लेकिन एग्रीमेंट अगर मिलिट्री का है तो कभी हमारा जब कॉन्फ्लिक्ट होगा चाइना के साथ तो रशिया हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, वो चाइना को ही सपोर्ट करेगा, चाइना को ही वो बेनिफिट देगा। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। अब आपको एक एग्जांपल बता दें कि एग्रीमेंट क्यों हुआ होगा। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब भारत ने एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ जिसका नाम है बेका। बेका बोलते हैं, ये 2020 में एग्रीमेंट हो गया था। वो ये एग्रीमेंट ये बोलता है कि जब भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी सैटेलाइट से रिलेटेड तो अमेरिका वो इन्फॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर करेगा और अमेरिका ने इंडिया के साथ वो डेटा शेयर भी किया जिसका हमें फ़ायदा भी हुआ था। ये डेटा शेयर किया था, आपको पता होगा अब से 3-4 साल पहले की बात है, गलवान इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर चाइना की मिलिट्री आ गई थी, वहाँ पर स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया था इंडिया का और चाइना का, दोनों सेनाएँ आमने सामने थी। तो वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू हमको चाइना का डेटा मिला कि इनकी मूवमेंट है कहाँ कहाँ। यही उसी डेटा के बेसिस पे हमारे सैनिकों ने प्रॉपर अपनी प्लानिंग करी जिसकी वजह से चाइना के जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो इंडिया की बॉर्डर के अंदर नहीं आ सके। कहीं ना कहीं हमारे जवानों ने उनको रोक लिया और वहाँ से खदेड़ दिया। अभी भी बॉर्डर पर दोनों का स्टैंड ऑफ है लेकिन वह ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की सीमा के अंदर हो, दोनों अपनी अपनी सीमाओं पे खड़े हैं। तो दोस्तों, इस तरह का एक एग्रीमेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है
तो ये पता कैसे लगा कि चाइना ने वो डेटा दिया? दरअसल ये यूएस ने इसको खोज लिया कि चाइना ने एक अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया है रशिया को, और उसने पूरी दुनिया को बता दिया। यूएस ने सभी पूरी दुनिया को ये बताया कि हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाइना ऐसा ऐसा कर रहा है, चाइना ने डेटा प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको बता दें कि सैटेलाइट की अगर बात करें तो दोस्तों सैटेलाइट सबसे ज़्यादा यूएसए के पास है, यूएसए के पास 240 सैटेलाइट है। नंबर दो की अगर बात करें तो चाइना है, चाइना के पास भी 140 सैटेलाइट है। लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि चाइना और यूएस के बीच में जो अभी लगभग 100 सैटेलाइट का गैप है, चाइना इसको बहुत जल्द पाट देगा। नेक्स्ट आप 4-5 सालों में देखेंगे चाइना अप्रॉक्स 200 सैटेलाइट अपनी लॉन्च कर चुका होगा, वो उसके पास मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। ये समझ लीजिए कि चाइना के पास भी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन होगी अभी। मतलब फिर तीसरे नंबर पे अगर सैटेलाइट की बात करें तो वो रशिया के पास है, उसके पास 109 सैटेलाइट्स हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 9 सैटेलाइट हैं, 9 सैटेलाइट हैं। इसीलिए भारत को दूसरों से डेटा लेना पड़ रहा है, हमें यूएसए से डेटा लेना पड़ रहा है, हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो अपने प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, इन्होंने अमेरिका से उस वक्त ये एक हेल्प मांगी थी कि आप हमें पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना हाइट पर थी, ऊपर थी, भारत की सेना नीचे थी, हमें पता नहीं लग रहा था कि कैसे उनकी मूवमेंट है, वो किस जगह पर क्या पोजिशन ले रखी है। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने भारत को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया था, तभी भारत के प्रधानमंत्री ने यह ठान लिया था कि हमको भी ऐसी सैटेलाइट बनानी है जिससे हमें अपने दुश्मन के एटलीस्ट मूवमेंट का तो पता लगे, हम अपने बॉर्डर को तो सुरक्षित कर पाएँ, उस हिसाब से देख पाएँ। तब भारत ने इस पर काम करना स्टार्ट किया, और हमें खुशी की बात है कि हमने 9 सैटेलाइट फिर भी बना ली हैं, हमें काफ़ी हद तक हमें अपने दुश्मन के बारे में पता है। लेकिन 9 सैटेलाइट काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसके लिए इसरो भी काम कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट और लॉन्च करेंगे, जिससे भारत की काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर तो एटलीस्ट वो पूरी तरह से सिक्योर कर देंगे, सारी नज़र रखेंगे। और यूएसए को पूरी दुनिया के बारे में पता होता है बिकॉज उसके पास 240 सैटेलाइट्स हैं, पूरी दुनिया की एक एक पल की खबर होती है उसको कि किसके सैनिक कहाँ जा रहे हैं, किसके टैंक्स कहाँ जा रहे हैं, कि कहाँ पे क्या हथियार डिप्लॉय किया जा रहा है, सारी चीज़ें उसे पता है, वो एक एक चीज़ वो देख रहा है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि चाइना और रसिया इतना ज़्यादा क्लोज हो गए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा क्लोज होंगे भारत के लिए टेंशन बढ़ेगी। टेंशन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ेगी कि भारत सिर्फ दोस्त है, दरअसल टेंशन इसलिए बढ़ेगी दोस्त होने के साथ साथ भारत रशिया से बहुत ज़्यादा वेपन खरीदता है। ये समझ लीजिए कि भारत के पास जो वेपन है 70% जो वेपन है वो रशिया ने प्रोवाइड करे हैं। अब ये समझ लीजिए आपके दुश्मन के साथ कोई हो जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, और युद्ध के समय आपका वो जो सप्लाई कर रहा है रशिया, अगर वो आपकी हेल्प करना बंद कर दे तब आप क्या करेंगे, कैसी पोजीशन होगी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। चाइना बिल्कुल वही चीज़ है किया उसने, चाइना भी रशिया से ख़रीदता है, साथ में उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, मिलिट्री एग्रीमेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सभी देश एक दूसरे से करते नहीं हैं। हालांकि रशिया के पास भी सैटेलाइट 109 हैं, उसको इतनी ज़्यादा चाइना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ नीड पड़ जाती है, इसलिए चाइना से उसने डेटा मांगा और चाइना ने वो डेटा प्रोवाइड करा दिया। ऐसा ही हो सकता है कि कल को चाइना को कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ जाए तो रशिया प्रोवाइड करा देगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि चाइना को ज़रूरत पड़ेगी रशिया की कि हमें डेटा दे दो, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के पास 140 सैटेलाइट्स हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आने वाली है। लेकिन भारत को ज़रूर इससे कुछ सीखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ मजबूत कदम उठाने चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये देश की सुरक्षा का मामला है और उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता, ना ही इग्नोर किया जा सकता, उसे सीरियस ही लिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार
उम्मीद है कि वो इसे बहुत सीरियस ले रहे होंगे और वो इसके बाद बहुत ही जल्दी कोई ना कोई अच्छा उपाय निकाल लेंगे जिससे भारत को एक सेफ जोन मिल जाएगा। दोस्तों अब इससे रिलेटेड अगर कुछ डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।